जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं भव्य कुमार, आप सभी ऑपरेटर भाइयों को अपरेटरता सहायता फाउंडेशन में स्वागत है और सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जो आए दिन ऑपरेटर पर अत्याचार हो रहा है, इसका आवाज हम ही लोग उठाना पड़ेगा। YouTube का माध्यम से उठाए या Facebook का माध्यम से उठाए या WhatsApp का माध्यम से उठाए। बहुत सारे ऑपरेटर भाई बोल रहे हैं कि भैया YouTube पर व्यूज बढ़ा रहे हैं, व्यूज कुछ नहीं बढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम जागरूक करें। ये 20 ऑपरेटर मेरे पास है आज, टोटल Facebook पर 7,500 फॉलोअर्स हो गए हैं और हर जगह कहीं पर भी अगर किसी का पेमेंट फंसा है तो वो जरूर बोलते हैं भैया मेरा मदद कहाँ पर होगा। पहले तो आप लोग बोलते थे भैया घर पर बोल के चुप हो जाते थे, मेरा पैसा फंसा है, लेकिन आज तो बोलते हैं ना, फोन करते हैं ना कि हम ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन मेरा एक संस्था है जो मदद कर सकती है और हर ऑपरेटर को मदद करिए जिसके पास आइडेंटिटी कार्ड है। जिसके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, कोशिश जरूर करेगी कि उनका वेतन निकल जाए। उनका ओनर के पास या उनके कंपनी के पास फोन करती है, ये बात नहीं है कि नहीं करती है। और आप लोग से एक और विनती है कि आप लोग मशीन छोड़ के ना जाए। जब तक आप लोग का पेमेंट नहीं मिल रहा है, जब तक मशीन छोड़ के मत जाइए। तो आप लोग मशीन छोड़ के चला जाते हैं घर पर, वहां पर बोलिएगा भैया कि मेरा पेमेंट फंस गया है, तो ये कभी भी मत करिए। देखिए, अभी 4-5 ऐसा केस आ गया है कि वहाँ पर फोन करने के बाद बोलता है मालिक या कंपनी कि ये ऑपरेटर मेरा पास काम ही नहीं किया है। सीधा बोलता है कि मैं ये ऑपरेटर मेरा पास काम ही नहीं किया है। अब कोर्ट में जाइएगा तो पहले तो यही समय लग जाएगा आपको प्रूफ कराने में कि वहाँ पर आप काम किए हैं कि नहीं किए हैं। इसी में आपको 15 दिन लग जाएगा, उसके बाद आप पेमेंट का मुद्दा पर बात करिएगा। ये पॉइंट, आप लोग मशीन छोड़ के ना जाए। मशीन पर हैं तभी मेरे पास फोन करिए आप लोग कि मेरा पेमेंट नहीं मिल रहा है। आप लोग ये गलती कभी मत करिए। आप लोग हम बार बार समझाते हैं, जम्मू कश्मीर के मीटिंग में बताएं, महाराष्ट्र की मीटिंग में बताएं, उसके बाद झारखंड के मीटिंग में बताएं, हर जगह बताएं। आप लोग एक नोटिस भी जारी किए हैं, आप लोग जब मशीन छोड़ के चला जाते हैं तब हमको फोन करते हैं। मशीन छोड़ के मत जाइए आप लोग, ठीक है। और आप लोग साथ दीजिए, एक दूसरे को मदद करिए। और जो हम लोग का एक समान वेतन का मुद्दा है, इसको उठाने के लिए हम लोग एकता जरूरी है। जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, जब तक हम लोग के पास शोषण होता ही रहेगा। अगर आप लोग को ऑपरेटर शोषण मुक्त भारत बनाना है तो साथ दीजिए। केवल कमेंट करने से कुछ नहीं होगा है, कमेंट और लाइक और शेयर एक मनोबल बढ़ाता है। आप लोग धरातल पर काम कर दीजिए, हार दीजिए, हर जगह जाइए। जो भी ऑपरेटर आपके अगल बगल में है उनसे बात करिए, समझाइए उनको। अगर वो नहीं समझ रहे तो मेरा जो नंबर स्क्रीन पर है उस पर कॉल बोल दीजिए करने के लिए, हम उनसे 2 मिनट जरूर बात करेंगे। उनको पूरा तरह तो हम समझा नहीं सकते, लेकिन 2 मिनट जरूर बात करेंगे। उनको आश्वासन जरूर दिया जाएगा और उनको ये अगर हमसे बात करेंगे तो उनको लगेगा भैया ये सच्चाई है संस्था। उनको बोलिए भैया आप YouTube पर जाइए, सर्च करिए जम्मू कश्मीर का मीटिंग वाला जितना लाइव बात हुआ था वो बात आप वहाँ पर दिखाइए, वो वीडियो। आप झारखंड का मीटिंग वाला बात दिखाइए। आप महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र का ऑपरेटर है उनको बताइए कि भैया महाराष्ट्र में मीटिंग हुआ था जलगाँव में। आप लोग जागरूक करिए ना उन सभी को। हम सबको जागरूक नहीं कर सकते, आपका भी काम है, आपका भी फर्ज है, हम सबका फर्ज है कि ऑपरेटर को जागरूक करें, एक प्लेटफॉर्म पर लाए ताकि हम लोग पर शोषण हो ना हो। और हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे, कहने को बहुत कुछ है। और आप लोग साथ दीजिए, जब तक साथ नहीं दीजिएगा, सहयोग नहीं करिएगा, जब तक कुछ नहीं होने वाला है। यह संस्था जो है ऑपरेटर भाइयों के लिए है और आप लोग इसी तरह प्यार देते रहिए। और YouTube पर देख रहे हैं
तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।